तो गाइस IQ90 इंडिया में जल्द ही लॉन्च होने वाला है। जी हाँ गाइस, आपने सही सुना, IQ90। ये इसलिए क्योंकि IQ एक न्यू सीरीज शुरू करने वाला है अपने फ्लैगशिप सीरीज को लेकर, जो कि है टी सीरीज लाइनअप। और ये फोन अपने होम मार्केट चाइना में भी देखने को नहीं मिलेगा, बस ये एक्सक्लूसिवली इंडिया में ही लॉन्च किया जाएगा। और 91 मोबाइल की रिपोर्ट के हिसाब से IQ का प्लान है कि टी सीरीज की शुरुआत IQ90 से किया जाए और ये फोन IQ9 सीरीज की लाइनअप में ही ऐड किया जाएगा। और लीक्स के जरिए कुछ बहुत डिटेल्स भी रिवील हो गया है, जिससे कि आइडिया मिलता है कि ये फोन कैसे होने वाला है। तो फोकस डाउन परफॉर्मेंस, इस फोन पे बस चिपसेट को अपग्रेड किया जाएगा। तो IQ90 की बिगेस्ट अपग्रेड ओवर IQ9 इज फ्लैगशिप चिपसेट स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1, जो कि करेंटली स्नैपड्रैगन की फास्टेस्ट चिपसेट है, जो कि IQ90 को IQ9 प्रो से भी ज्यादा पावरफुल बना देती है। और ये इंडिया की पहली फोन होगी जिसमें स्नैपड्रैगन प्लस जेन 1 की चिपसेट देखने को मिलेगा और बाकी के फीचर्स बिल्कुल सेम होने वाली है। इसका मतलब IQ90 पे सेम 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले पैनल और ट्रिपल कैमरा सेटअप विद गिम्बल स्टेबलाइजेशन देखने को मिलेगा और साथ ही सेम 120 वाट फास्ट चार्जिंग की टेक्नोलॉजी भी दिया जाएगा। और ये देखना बाकी है कि IQ अपने IQ सीरीज में इस फोन को किस प्राइस रेंज में रखने वाला है। यहाँ तक बताया जा रहा है कि IQ9 प्रो IQ की अल्टीमेट फ्लैगशिप रहने वाला है, बट IQ90 अपने IQ9 से थोड़ी अपर सेगमेंट में देखने को मिलेगा, जो कि गेमर्स पे फोकस करके इसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से प्राइस डिसाइड किया जाएगा, जो कि IQ9 प्रो से कम होने वाला है। और ध्यान में रखिएगा कि ये बस एक लीक रिपोर्ट है, बाकी IQ की तरफ से ऑफिशियली अनाउंसमेंट जल्द ही किया जाएगा। आप नीचे कमेंट करके बताओ कि क्या IQ को अपना न्यू IQ90 सीरीज को एक्सक्लूसिवली इंडिया में लाना चाहिए या नहीं। तो बस गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही फ्यूचर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन करने ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक और न्यू फ्रेश वीडियो के साथ, अभी के लिए टेक केयर, गुड बाय।